हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लुकअप विजार्ड के बारे में सीख रहे हैं। तो लुकअप विजार्ड के बारे में आगे बात करता हूं। यहां पर ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से दो टेबल से अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट टेबल में आपका एक डेटा रखा हुआ है, उसको आप सेल्स वाले टेबल में लेके जाना चाहते हैं तो कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई तीसरा टेबल हो, लाइक यहां पर मैंने एक टेबल सेल्स का बनाया, दूसरा टेबल प्रोडक्ट का बनाया, तीसरा टेबल यहां बना देता हूं कस्टमर का। तो यहां टेबल डिजाइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर कस्टमर आईडी कर देता हूं। तो ये मैंने कर दिया कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी कर दिया हमने और इसे यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है मैंने, और यहां पे कर देता हूं लाइक प्रोडक्ट आईडी, या यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या दिया है। तो यहां पे आईडी दिया है, केवल आईडी। तो यहां पर आप आईडी भी दे सकते हैं केवल, अदरवाइज यहां पे सेल्स आईडी है तो ये सेल्स आईडी दे देते हैं। यहां पर आता हूं, यहां पे दे देता हूं सेल्स आईडी। तो ये लिख दिया मैंने सेल्स आईडी। ठीक है, तो ये सेल्स आईडी इसलिए कि इसको हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सके, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे सेल्स आईडी दिया है। और फिर यहां पे कस्टमर का नेम आएगा तो ये लिख देता हूं कस्टमर नेम। ठीक है, तो ये कस्टमर आईडी भी हो गया, कस्टमर नेम भी हो गया, दोनों हो गया। यहां पर कस्टमर के नेम आएंगे। ठीक है, अब यहां पे सेल्स है तो यहां सेल्समैन के नेम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नाम है, और यहां पर ये कस्टमर की टेबल बना रहा हूं तो यहां पे कस्टमर के नेम आएंगे। तो ये हमने कर दिया और यहां से यस कर दिया, और यहां पे कस्टमर टी कर देता हूं इस टेबल का नाम, ये लिख दिया मैंने कस्टमर टी। तो ये कस्टमर टी हो गया, एंटर प्रेस किया, प्राइमरी की असाइन नहीं की तो यहां पर प्राइमरी की बना लेते हैं, ये कस्टमर आईडी को हम प्राइमरी की बना लेते हैं। तो ये प्राइमरी की बना दिया और यहां से ओके प्रेस किया तो ये अब कस्टमर टी नाम से सेव हो गया। अब यहां पर कस्टमर की आईडी आएगी, तो जो भी कस्टमर की आईडी होगी वो कस्टमर की आईडी यहां आएगी, लाइक यहां पर कर देता हूं A01, ये कस्टमर की आईडी है, और यहां पर सेल्स आईडी तो सेल्स आईडी 1 हो गया, कस्टमर नेम मान लीजिए हो गया रामू। ठीक है, और यहां पर आता हूं A02 कस्टमर आईडी सेकंड, मतलब दूसरे कस्टमर की आईडी कस्टमर आईडी हो जाएगी, और फिर यहां पे कर देता हूं सुमित। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहां पे कर देता हूं A03, देता हूं इस टेबल को, ये सेव कर दिया। अब इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाहें तो आसानी के साथ क्रिएट करा सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी क्रिएट किए हैं। लेकिन अभी हमें ये जो कस्टमर की टेबल है यहां पर देख सकते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट के नेम चाहिए। तो यहां पर प्रोडक्ट का नेम आपको लेके आना है, तो आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं, यहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट और ये नेम। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा यहां पर। कैसे आएगा, यहां पर आपको जाना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है यहां पे जाइए लुकअप विजार्ड पे, और यहां पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट रखते हुए यहां पर आ जाइए। आप देखिए तीनों टेबल्स आपको नजर आ रही होंगी, फिलहाल हमें प्रोडक्ट का टेबल चाहिए, अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी ले सकते हैं। तो ये आ गए, अब हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए और प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, दोनों चाहिए तो ये ले लिया हमने, और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक किया। और अगर आप इसको हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये अनहाइड ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी के फील्ड भी आपको दिखाई पड़ेंगे, लाइक आईडी भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाइड कर देता हूं आईडी को और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पर फिनिश पे क्लिक कर देता हूं और यहां यस कर देता हूं। तो ये काम हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद, अब चूंकि एक सेल्स का भी हमारे पास डिटेल है तो सेल्स वाला डिटेल भी लेके आना है, तो अभी सेल्स वाले डिटेल में एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा सेल्स का डिटेल है, तो सेल्समैन का नेम आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें सेल्समैन का नेम भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सेल्समैन के नेम के लिए, सेल्समैन के नेम के लिए यहां जाएंगे और यहां लिखेंगे सेल्स मैन सेल्स मैन, यहां पे सेल्समैन लिख दिया मैंने, और यहां पर जाकर के फिर इसको भी हम दूसरे टेबल से फेच कराएंगे ये डेटा। तो यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के फिर ये देखिए, अब सेल्स वाले टेबल से हमें लेना है तो ये सेल्स वाले टेबल पे आ गए, क्लिक किया, और हमें क्या चाहिए, सेल्समैन का नेम चाहिए, केवल सेल्समैन का नेम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये ले लिया हमने, और बाकी सारे फील्ड्स को हाइड करके और यहां फिनिश पे क्लिक कर देंगे, यहां से ओके कर देंगे। तो आप अभी यहां पे आते हैं हम, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा फील्ड भी दिखाई पड़ेंगे, लाइक प्रोडक्ट नेम और सेल्समैन। ठीक है, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा प्रोडक्ट नेम, और ये प्राइस भी दिखाई पड़ रही है, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आए और यहां पे इस तरीके से ये करते चले जाएंगे, आपको जो भी करना हो जिस हिसाब से वो देख लीजिएगा। यहां पर आएंगे तो आपको केवल सेल्समैन का नेम ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने
यहां पर दो ही फील्ड लिया था तो एक फील्ड को उसने हाइड कर दिया था, तो ये इस तरीके से आता चला जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ सिनेरियो दिया था, कुछ आइडिया दिया था कि इसको कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।